एबीपीएस न्यूज गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बदायूं के ब्लॉक इस्लामनगर में स्थित भुसाया गांव पड़ा। वर्तमान में गांव के प्रधान निशा ठाकुर हैं। लगभग 2300 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 15 किलोमीटर ही है। लगभग 1800 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव में लगभग 365 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी स्कूल में लगभग 147 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 36 हैंडपंप गांव के प्रधान द्वारा लगवाए गए हैं तथा 10 हैंडपंप को सरकार से और लगवाने की मांग है। इसी के साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 250 विद्युत पोल, एक विद्युत ट्रांसफार्मर व 18 सोलर लाइटें भी गांव में लगवाई गई हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पानी निकासी के लिए नाला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 41 शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, बराग घर, पंचायत घर, शमशान घाट का सौंदर्यकरण, कब्रिस्तान व अंबेडकर पार्क की बाउंड्री, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं राजेश ठाकुर, प्रधान प्रतिनिधि भुसाया, ब्लॉक इस्लामनगर, तहसील बिसोली, जिला बदायूं। मेरे गांव में जो भी सरकार ने पैसा दिया था उसे मैंने ईमानदारी सच्चाई के साथ में इस गांव के विकास में लगाया है। शौचालय निर्माण कार्य कराए हैं, 290 मीटर लगभग सीसी करा दी, 40 मीटर नाला और करीब 180 मीटर खरंजे करा दिए, 18 सरोजे लाइटें और जो शौचालय सरकारी तरफ से प्राप्त हुई थी 41 शौचालय निर्माण कार्य करा दिया। लेकिन हमारे गाँव में थोड़ी समस्या, एक तो सफाई कर्मचारी, दो वर्ष से कोई सफाई कर्मचारी नहीं है, जबकि मैं डीएम साहब को, DPRO, CDO सबको लिखित में दे चुका हूँ, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी संख्या ये है कि 2011 की जनसंख्या है वो 2311 है, जो कि जनसंख्या बहुत कम दर्शाई गई है, इसलिए विकास के लिए पर्याप्त धन प्राप्त नहीं होता और विकास में सबसे बड़ी जो आबादी आ रही है वो जनसंख्या आ रही है, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से ही सरकार पैसा उपलब्ध कराती है और जनसंख्या लगभग इस बार हमारे गाँव की 5000 के आसपास है, इसलिए वोटों की संख्या भी कम है और विकास के लिए पर्याप्त धन मिलता वो नहीं मिलता है। हमारे गांव के अंदर कोई भी बारात घर नहीं है, काफ़ी प्रयास करने के बाद सांसद जी को भी लिख के दिया, विधायक जी को लिख के दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, एक भी गांव के अंदर बारात घर नहीं है। पंचायत घर है वो खंडर पड़ा हुआ है, उसके मरम्मत के लिए कई बार लिख के दे चुके हैं सरकार के लिए, लेकिन हमारे पास इतनी धनराशि नहीं है कि हम पंचायत घर का निर्माण कार्य करा सकें, क्योंकि अगर पंचायत घर निर्माण कार्य शुरू कराते हैं तो कई नाली गलियाँ ऐसी हैं जहाँ आम आदमी निकलने में बहुत समस्या पैदा हो रही है, परेशानी है। अगर वो पैसा पंचायत घर में लगा दिया जाएगा तो आम व्यक्ति उस रोज निकलता बैठता बैठता वो कहाँ निकलेगा, कहाँ बैठेगा, सबसे बड़ी समस्या ये है। कई बार अस्पताल तो बना हुआ है लेकिन वो खंडर हाल में पड़ा हुआ है, उस पर आज तक कोई भी डॉक्टर, ANM, आशा कोई भी नहीं बैठती। स्कूल की हालत इतनी दयनीय है कि स्कूल के प्रधानाध्यापक के बारे में कई बार हमने माननीय DM साहब को लिख के दिया, अवस्था प्रस्ताव बना के माननीय DM साहब को दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अवस्था प्रस्ताव प्रबंधक समिति एवं शिक्षक समिति दोनों की तरफ से बना कर दिया गया था, जो कि एक प्रधान का दायित्व होता है, अगर वो अस्वस्थता बना कर देता है तो DM साहब उस पर तत्काल कार्रवाई करें। एक प्रधान अध्यापक जो कि 25 साल से एक ही स्कूल में तैनात है, स्कूल पर सारे तरफ कंडे पत्र हैं, घूर पड़े हुए हैं, कोई बाउंड्री व्यवस्था नहीं है, शिक्षा का स्तर प्राइवेट स्कूल का बहुत ही दयनीय है, कोई भी सुनवाई नहीं है। अवसर प्रस्ताव को सरकार कहती है कि प्रधान अगर एक अवसर प्रस्ताव बना कर दे तो शायद उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अवसर प्रस्ताव बनने के बाद भी माननीय DM साहब की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, प्रधानाध्यापक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो आज भी इसी प्रधानाध्यापक स्कूल में डटे हुए हैं। जबकि जो निर्माण कार्य उन्होंने कराया था, एक कमरा निर्माण कार्य कराया था प्रधानाध्यापक जी ने, उसमें आज तक फर्श प्लास्टर वो नहीं करा पाए हैं, जिसकी लिखित में शिकायत कई बार देने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ आश्वासन मिलता है, आश्वासन से काम चलता नहीं है। हम ये चाहते हैं हमारे प्रधानाध्यापक को तुरंत हटाया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके कार्यकाल में हुए विकास कार्य और शिक्षा की जांच कराई है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। स्कूल के पास 15 बीघे जमीन है लेकिन सारी जमीन ऐसी पड़ी हुई, उस पर लोग घूर डाल रहे हैं, कंडे डाल रहे हैं, कई बार लेखपाल साहब, SDM साहब आए लेकिन कोई भी कार्रवाई उस पर नहीं हुई अब तक। शिक्षा का स्तर बहुत ही दयनीय है इस गाँव के अंदर।